हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राजमा की सब्जी कैसे बनाई जाती है, वो भी बिना प्रेशर कुकर के। बिना प्रेशर कुकर बनाना है, प्रेशर कुकर से में बनाने से उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसमें किसी भी किस तरह उसमें वायु नहीं लगती, बाहर की धूप नहीं लगती, इससे उसके अंदर के जो पौष्टिक तत्व हैं प्रेशर कुकर के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और उसका असली स्वाद हमें खाने के लिए नहीं मिलता। आज हमको बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। इसके बनाने की विधि बहुत ही सरल है। आपने क्या करना है कि अच्छे से साफ आधा किलो राजमा ले लीजिए और उनको भिगो कर रख दीजिए। भिगोने के रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह उनको निकालिए पानी में से और अच्छी तरह धोकर फिर चुन लीजिए ताकि उसमें कोई कंकर वगैरह ना रह जाए। उसके बाद आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। आप पीतल की कढ़ाई भी ले सकते हो या लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो। उस कढ़ाई में डाल करके पानी की मात्रा जितने राजमा उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है। उसमें आपने डाल करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, एक चम्मच नमक डाल दीजिए, इससे गलने में उसको आसानी होगी। उसके बाद आपने उसको ढक के रख देना है और पकाते रहना है। आधा घंटा आपका ज़्यादा लग जाएगा लेकिन वो पौष्टिक तत्व जो है उसके अंदर विद्यमान रहेंगे। उसके बाद आपने निकाल के देख लेना है कि वो गल गए हैं। गलने के बाद आपने क्या करना है कि एक अलग सी कड़छी में थोड़ा सा घी, देसी घी ले लेना है और मिर्च डाल देनी है स्वाद अनुसार, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल के अच्छी तरह तड़का लगा के उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद उसमें अच्छी तरह रंग जो है सब्जी का आ जाएगा और आप इसको लेकर किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं, भोजन में आप ले सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक राजमा आपके लिए तैयार है और खाइए और मस्ती से झूम जाइए। थैंक यू वेरी मच।